एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज हमारे डेली ब्लॉग्स बहुत दिनों के बाद स्टार्ट हुए हैं, मतलब 4-5 ब्लॉग से आप लोग देख रहे हैं। मैं बाहर घूम रही हूँ, बाहर के आपको सुंदर सुंदर व्यूज़ दिखा रही हूँ, न्यू ईयर सेलिब्रेशन दिखा रही हूँ। सो हमारा न्यू ईयर बहुत अच्छा था, उम्मीद करती हूँ ऐसा ही आप सबका न्यू ईयर रहा होगा। और मैंने सिंपल सा अभी कॉम किया है, मतलब कुछ भी ऐसा किया नहीं है, बस आप लोगों से बात करने के लिए थोड़ा सा बाल वगैरह बनाए हैं। और मैंने सोचा चलो अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं आफ्टरनून से, आप लोगों से 2 मिनट बात कर लेती हूँ, फिर चलती हूँ किचन में। आज मुझे थोड़ा सा काम है, क्योंकि 4-5 दिन से ना बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रही थी। सो अभी चलते हैं किचन में और थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं अपना काम। है कुछ कुछ किचन में ना बहुत सारी चीज़ें मेरी ऐसे ही फैली पड़ी हैं, उनको सबको मुझे मेंटेन करके रखना है। सो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ सबसे पहले गाजर का हलवा बनाने के लिए। मैंने गाजर घिस ली थी, उसे मैं यहाँ पे चढ़ा देती हूँ। तो ये मैंने नया स्टेनलेस स्टील का कुकर मंगाया है, जो कि 3 लीटर का है। और इसकी जो नीचे की मतलब बॉटम है वो इंडक्शन फ्रेंडली है, तो इनकेस आपके पास इंडक्शन है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ गाजर का हलवा बनाने के लिए। इसमें मैंने डाल दिया है अपना ये ग्रेट कर लिया था मैंने गाजर, और इसको मैं डाल दूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें दूध डालूंगी और इसको एक सीटी लगा लूंगी, जिससे हल्की सी गाजर जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। ज़्यादा दूध नहीं डालूंगी, वरना जैसे ही प्रेशर आएगा सीटी तो दूध थोड़ा बाहर आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ही दूध डाला है मैंने। और ये मैं लाइटर से गैस ऑन कर दूंगी। तो ये जो कुकर है ये मैंने मेरा लिंक से मंगाया है, और इसका हैंडल बहुत अच्छा है, और ये जो इसका ढक्कन है ये भी बहुत अच्छा है। तो बस मैंने इसको चढ़ा दिया है एक सीटी आने के लिए। तो सीटी आ चुकी थी, मैंने प्रेशर कुकर खोल दिया था, उसके बाद मैंने इसमें फिर से दूध डाला है और अब हमें इसको पकाना है। सीटी आप लगाना चाहें तो लगाइए, नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए। इससे हल्की सी गाजर जो है थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, तो इजीली पक जाती है, इसीलिए लगाया है। तो बस अब हम इसको धीरे धीरे पकाते रहेंगे, और जब ये गाढ़ा हो जाएगा मतलब दूध सूख जाएगा तब मैं इसमें मलाई डाल दूंगी। इसके साथ देखिए कुकर के साथ ये एक नीचे रखने वाली जाली भी मिली थी, इन केस कुछ हम ढोकला वगैरह बनाते हैं तो इसमें रख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो इसका दूध है वो सूख चुका है, फिर मैंने इसको ढक करके रख दिया था। और फिर नेक्स्ट डे मैंने ये क्लिप आपको ऐड करके दिखा दी है, मैंने इसमें मलाई डाल करके भी पका लिया है। और जब ये मलाई सूख गई थी तो फिर ये स्टील का मैंने डिब्बा मंगाया है, स्टील का कंटेनर, उसी में मैं पैक करके मतलब ढक करके रख दूंगी और थोड़ा सा बचा लूंगी खाने के लिए। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ आज हमारा ये हलवा भी हो जाएगा। लेकिन ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, इसमें मैंने ऐड करके आपको दिखा दिया है कि इस तरह से मेरा गाजर का हलवा बन के तैयार हो गया था। मैंने ये कुछ स्टील के ऐसे बॉक्स मंगवाए हैं, कंटेनर्स मंगवाए हैं। सो मैं इसमें जा रही हूँ घी भरने के लिए। तो ये है मेरा कंटेनर जो कि मैंने स्टील का इस बार मंगवाया है, क्योंकि मेरे पास एक था वो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ गया। हाँ ये है। तो पहले मेरे पास ये डिब्बा था जिसपे कि मैं घी रखती थी, तो इसमें मैं हाथ से बना हुआ घी रखती थी, बट कभी कभी होता है ना हाथ का घी खत्म हो रहा होता है, सो मैं इसमें पैकेट वाला भी घी मंगा के रखती हूँ। मैंने यहाँ पे देखिए मंगा के इसमें भर दिया है घी, तो ये बहुत अच्छा है। इसमें यहाँ पे ना उठाने के लिए भी, अब बॉक्स कैसे खोलोगे ऐसे आप इसको खोल सकते हो। तो ये मैंने 2 मंगवाए हैं, अभी मुझको कुछ कंटेनर्स और मंगवाने हैं। मैंने बोला था ना मैं चाय की पत्ती और चीनी के लिए भी सोच रही हूँ मंगाने को, तो ये तो अभी मैंने मंगा लिया है, इसको मैं रख देती हूँ। स्टील है इसकी, काफी अच्छी स्टील है। तो ये है, तो ये मैंने मेरा लिंक से मंगवाया है, अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैंने कहाँ से मंगाया है।
तो अभी मैंने यहाँ पे लिया है ग्लास स्टील मेटेलिक जार जिस पे कि मैं ड्राई फ्रूट्स भरने जा रही हूँ। इसमें देखिए ट्रांसपेरेंट ग्लास जो लगा हुआ है, सो आप जब भी इसमें कोई ड्राई फ्रूट भरते हैं तो वो सामने से आपको दिखाई देगा। सो मैंने कुछ काजू बादाम मंगाए हैं तो वही मैं इसमें भरने जा रही हूँ। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये दो का पेयर है, सेट ऑफ टू मतलब, और 700 ml इसकी स्टोरेज है, 700 ml का है ये। और जो इसका प्राइस है वो 599 rupees है, मतलब 600 का। अगर इसमें से आप कुछ भी प्राइस कुछ भी आप लेना चाहते हैं जो मैंने प्रोडक्ट आपको इस आज के वीडियो में दिखाए हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मैं सबकी लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इस जार में आप अगर ड्राई फ्रूट्स रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, या फिर कोई ग्रेन रख सकते हैं जैसे दाल चावल, या फिर कोई अचार रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्टोरेज जार है ये, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये स्टेनलेस स्टील का रोटी के लिए रखने के लिए बॉक्स मंगाया है जो कि अगेन फिमोरा ब्रांड का ही है। ये 800 rupees का है और इसके देखिए नीचे एक प्लेट भी दी हुई है। और ये 1.1 liter का स्टोरेज बॉक्स है जो कि रोटी रखने का, इसमें चावल वगैरह भी रख सकते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंट लिड है ऊपर से ढकने के लिए। तो मैं यहाँ पे गरम गरम रोटियाँ बना के रखती जा रही थी, सो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था मैंने। और इस रोटी के बॉक्स में आपको 1 year वारंटी भी मिलती है, इनकेस कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें रिटर्न एक्सचेंज आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शाम की चाय बना रही हूँ और मैंने यहाँ पे कुछ नए कप्स मंगाए हैं क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि वो जो मैंने लास्ट टाइम कप मंगाए थे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बजट फ्रेंडली कप्स मंगवाए हैं जो कि देखने में भी सुंदर हैं और यूज़ करने के लिए भी आरामदेह हैं। सो ये देखिए यहाँ पे मल्टी कलर में 6 cup का सेट है। और यहाँ मैं चाय बना रही हूँ अपनी और वर्मा जी की, तो हम लोग अब जा रहे हैं चाय पीने के लिए। और हाँ, ये जो कप है ये हैंडमेड हैं और हैंड क्राफ्ट के फोलका प्रिंट के कप्स हैं। सो यहाँ हमारी चाय बन चुकी है और माइक्रोवेव फ्रेंडली हैं, इनकेस आपको माइक्रोवेव में चाय गर्म करनी हो या पानी गरम करना हो तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे चल रहा है ऑफिस और साथ में आ गई है आपकी गरम गरम अदरक वाली चाय। तो ग्रहण करें चाय और देखें ऑफिस के सामने समय चाय मिल जाए तो क्या कहना। लुक मम्मा, वाह गुड। यहाँ पे पूरा ऑफिस बना हुआ है, आज वर्क फ्रॉम होम के मजे हैं ये। कैसी लगी चाय? न्यू कप में चाय। सो गाइज, अभी हम लोगों ने चाय पी ली है और जो मैंने आपको कप्स दिखाए ना उस पर डील ऑफ द डे चल रहा है। अगर इन केस आप उसे लेना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और डील ऑफ द डे में आपको मिले सिर्फ 499 में, तो 500 rupees में आपको ये कप मिल जाएंगे। क्वालिटी बहुत अच्छी है और कलरफुल है, तो अच्छा लगेगा अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। और अभी ये जो सिनेरियो चल रहा है उसको देखते हुए वर्मा जी का ऑफिस जो है वो अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आपको घर पे वो अब दिख गए हैं। तो अभी सारा काम फिनिश हो गया है, अब मैं जा रही हूँ थोड़े से बर्तन क्लीन करने हैं, उसे कर लेती हूँ। तो ये बास्केट है, ये मैंने मेरा लिंक से ही मंगाई है जो कि मल्टी फंक्शनल बास्केट है। आप इसको कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल्स धोने के लिए, फ्रूट्स धोने के लिए, या फिर अपने बर्तनों को क्लीन करके रखने के लिए। इसमें देखिए यहाँ पर अलग अलग रैक बने हुए हैं। वैसे तो मेरी जो हाउस हेल्पर हैं वो आती ही हैं, बट मुझे थोड़े से ये कप वगैरह वॉश करने थे सो मैं इसको वॉश करके इसमें रख देती हूँ। सो बहुत ही अच्छी यूटिलिटी वाली चीज़ है, इनकेस आप लेना चाहते हैं तो मैं इसके लिंक भी अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसका प्राइस 499 है और बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, जो भी आप कलर लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ये देखिए इसमें नीचे जो छोटे छोटे से छेद बने हुए हैं ना, जब आप बर्तन इसमें रखेंगे तो वो सारा ड्रेन होकर के नीचे एक ट्रे है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, तो उस ट्रे में ये पानी जो है चला जाएगा, मतलब आपका नीचे फ्लोर पर पानी नहीं आएगा। और जब फ्लोर पर मतलब ट्रे पर आ जाएगा तो आप उस ट्रे को ड्रेन आउट कर सकते हैं उठा करके।
तो मेरा लिंक से शॉपिंग करना बहुत इजी है। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने से डर लगता है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी शॉपिंग कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप का नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इन केस आप फर्स्ट टाइम शॉपिंग कर रहे हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, मेरा लिंक 10, आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा। यहाँ पे 5 डेज़ की इजी रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी है, COD भी अवेलेबल है। इनकेस आपको COD मंगाना है तो आप यहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे बर्तन जो हैं वो वॉश हो चुके हैं, और जब मैं इसको उठा के आपको दिखाऊंगी तो नीचे आपको ये देखिए ट्रे नज़र आ रही है, तो मैंने उसका पानी हटा दिया है, मतलब वर्मा जी ने पानी हटा दिया है, और अब मैं इसको इसके नीचे रख दूंगी। तो एक मेरा ये और रह गया था, सो इसको भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के रैक्स बने हुए हैं ना, तो ये इजीली खड़ा हो जाता है। सो गाइस, अभी मेरा काम वगैरह सब खत्म हो गया है, और आज का व्लॉग कैसा लगा आपको? डेली व्लॉग था, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब मैं इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं फिनिश कर देती हूँ, और मिलती हूँ मैं आपको एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।